पर हमने कौन सा लेटर सीखा था? ई, ये छोटी, और ई से हमने तीन पिक्चर्स भी देखी थी। ई से स्त्री मिस आयरन, ई से सेकंड पिक्चर देखी थी इनाम मिस गिफ्ट, एंड ई से थर्ड पिक्चर देखी थी इमारत मिस बिल्डिंग। तो ये लेटर हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, जो मराठी का तीसरा लेटर है, थर्ड अक्षर है। ई, ई से तीन पिक्चर्स स्त्री इनाम एंड इमारत। तो आज हम इस ई लेटर को, ई अक्षर को कैसे लिखना है डबल लाइन नोटबुक में, वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको नोटबुक का जो आपके बाद वाला नेक्स्ट पेज है ना, थर्ड पेज होगा, उस पेज पर सबसे ऊपर लिखना है ई लेटर जो आज हम लिखने वाले हैं। ऊपर ई लिखने के बाद साइड में आपको ई से पिक्चर भी बनानी है, जैसे ई से टीचर ने पिक्चर बनाई इमारत की मिस बिल्डिंग। फिर पिक्चर बनाने के बाद आपको उस पिक्चर का नीचे मराठी में नाम भी लिखना है, जैसे ई से इमारत, ई से इमारत। मैंने आपको तीन पिक्चर्स सिखाई थी, आपको सिर्फ इमारत की पिक्चर बनानी है, आपको इमारत की पिक्चर बनानी है। अब देखो ई लिखते वक्त आपको स्मॉल टू लाइन्स में लिखना है नोटबुक में। स्मॉल टू लाइन्स में सबसे पहले जो ऊपर की लाइन है, यहाँ से स्मॉल स्टैंडिंग लाइन बनानी, छोटी सी। फिर राइट हैंड है ना आपका, राइट की तरफ हाफ सर्कल बनाना है। फिर इसी सर्कल को लेफ्ट की तरफ बनाना है। ये पता है इंग्लिश का एस बन गया, आप एस लिखते हो ना इंग्लिश में, तो स्टैंडिंग लाइन के नीचे आपको एस बनाना है। और जो ये नीचे का हाफ सर्कल है ना, उसी के यहाँ से तिरछी लाइन लेनी है। तो ये बन गया हमारा लेटर ई। लेकिन रुको, मराठी में हर अक्षर के ऊपर हम क्या लेते हैं, स्लीपिंग लाइन। तो अभी ये स्लीपिंग लाइन दी हमने, तो ये बना हमारा लेटर ई, छोटी ई। कैसे लिखा टीचर ने, देखो ई लिखते वक्त पहले तो आपको हाफ स्टैंडिंग लाइन बनानी है छोटी सी, फिर राइट हैंड की तरफ हाफ सर्कल बनाना है, फिर लेफ्ट हैंड की तरफ हाफ सर्कल बनाना है, और नीचे से क्या लेनी है, तिरछी लाइन। तो ये बन गया लेटर ई। कौन सा अक्षर बना, ई। कौन सा अक्षर बना, ई। इसे हमने क्या पढ़ा था, ई से इमारत, ई से इमारत। आपको भी बोलते हुए लिखना है, कैसे लिखा टीचर ने, हाफ स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल, हाफ सर्कल, तिरछी लाइन, और लेटर के ऊपर स्लीपिंग लाइन। तो ये बना लेटर ई। कौन सा बना लेटर ई, कौन सा अक्षर बना ई। तो आपको भी अपने नोटबुक में स्मॉल लाइन्स में लिखना है। और यहाँ पर देखो तीन कॉलम्स बना, फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड। अभी स्मॉल टू लाइन्स में लिखा ना, फिर ये बड़ी वाली सिंगल लाइन छोड़ दो, फिर अगेन नेक्स्ट टू लाइन्स में जो ऊपर ई लिखा ना, उसी के नीचे ई लिखो। तो छोटी ई लिखते समय आपको पहले क्या ड्रॉ करना है, हाफ स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल, हाफ सर्कल, तिरछी लाइन, एंड लेटर के ऊपर स्लीपिंग लाइन। तो ये लेटर कौन सा बना, ई। कौन सा अक्षर बना, ई। कैसे लिखा देखो, हाफ स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल जो राइट की तरफ बनाना है, फिर लेफ्ट की तरफ हाफ सर्कल, और फिर तिरछी लाइन बनानी नीचे। तो ये बना हमारा छोटी ई। कौन सा अक्षर बना, छोटी ई। तो आपको आपकी नोटबुक में ये तीनों लाइन्स से एंड तक फुल पेज क्या लिखना है, छोटी ई लिखना है, वो भी गुड हैंडराइटिंग में। कैसे लिखना है देखो, पहले हाफ स्टैंडिंग लाइन, फिर हाफ सर्कल, फिर हाफ सर्कल, फिर तिरछी लाइन, और लेटर के ऊपर स्लीपिंग लाइन। ये लेटर बना हमारा ई। कौन सा लेटर बना, ई। तो इस तरह से आपको फुल पेज पर क्या लिखना है, ई। क्या लिखना है, ई। और आपको पता है पढ़ते हुए लिखना है, ताकि आपको वो लर्न हो जाए। आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, ई से इमारत, ई से इमारत, ई से इमारत। तो इस तरह से आपको फुल पेज ई लिखना है। तो आपको भी अपनी नोटबुक में स्मॉल टू लाइन्स में ये छोटी ई लिखनी है। कैसे लिखनी है, पहले हाफ स्टैंडिंग लाइन, फिर हाफ सर्कल, फिर अगेन हाफ सर्कल, फिर तिरछी लाइन, और लेटर के ऊपर स्लीपिंग लाइन। तो ये हमारा कौन सा लेटर बना, ई। कौन सा अक्षर बना, ई। तो आज हमने ई लेटर, ई अक्षर कैसे लिखना है वो देखा है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपको अपनी नोटबुक में जो आपने लास्ट टाइम आ लिखा था ना, आ से अरसा, उसके बाद वाला जो नेक्स्ट पेज है, उस पेज पर जो हमने आज लेटर लिखा ना, ई,
ई छोटी ई, तो वो फुल पेज गुड हैंडराइटिंग में लिखना है। सबसे पहले ऊपर छोटी ई लिखनी है, फिर यहाँ पर इमारत मीन्स बिल्डिंग की पिक्चर बनानी है। तो इस तरह से आपको ये लेटर अपनी नोटबुक में गुड हैंडराइटिंग में लिखकर कंप्लीट करना है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।